बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रैबरी के साथ न्यूज़ में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कायदाना सलाहियतों से मालामाल है। आप एक बार पीसीपीए के वाइस चेयरमैन और दो बार पीसीपीए के चेयरमैन रह चुके हैं। आप इनफार्म केमिकल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के तहसील सदर भी हैं चौधरी रऊफुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी, शुक्र है। अच्छा, माशाल्लाह से आप कायदाना सलाहियतों से माला माल हैं। ये सलाहियतें आप में शुरू से पाई जाती थी या आहिस्ता आहिस्ता बाद में इंडस्ट्री के मसाइल को बयान करते करते ये आप में आ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सियासत होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है। मैं समझता हूँ कि ये शौक़ से या ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने शुरू से ही कुछ जरासीम इंसान के अंदर रखे हुए होते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं जब कॉलेज के ज़माने में तालिब इल्म था तो मैं वहाँ पे नायब सदर रहा कॉलेज का और यूनियन का। और उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो आखिरी इलेक्शन हुआ यूनियन का, वो 8 जमातों का अलायंस बना ZTI के नाम से, तो मैं यूनियन का भी सदर रहा हूँ। और मैंने वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हक की बात की, साफ बात की, और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे यूनिवर्सिटी में भी जो है वो इज्जत से नवाजा। माशाल्लाह। अच्छा, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में आने की कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह तो कोई नहीं जी, पाकिस्तान में लोगों के पास कोई ख़ास वजह नहीं होती और यहाँ जो है कोई टारगेट भी आपके अपने नहीं होते, तो यहाँ हालात पे डिपेंड करता है। यहाँ बाद का डॉक्टर जो है वो दुकानदार बेहतरीन बन जाते हैं, और बाद का दुकानदार जो हैं वो बेहतरीन कारोबारी बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हादसा हुआ। तो मैंने अपनी जब एजुकेशन मुकम्मल की MA, तो MA करने के बाद मेरा टारगेट तो था कि मैं लेक्चरशिप करता, और मैंने 8 माह लेक्चरशिप भी की कोटद्दू कॉलेज के अंदर। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे वहाँ कुछ मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ चीज़ें हुई, तो वहाँ जो जागीरदार थे कुछ उनके साथ झगड़ा हुआ लेक्चरर्स का। और मुझे ये चीज़ हमेशा से मैं जो है वो बुरा समझता हूँ कि अगर आपको मतलब इज्जत ही नहीं है जिस पेशे में, और अगर आप अपनी बात ही नहीं कर सकते तो उसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 8 माह के बाद फिर मैंने लेक्चरशिप छोड़ के फिर मैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा ख़ानदानी बिजनेस था और मेरे आबाओ अजदाद जो है वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के कारोबार से मुंसलिक थे, तो कुदरती तौर पर मेरा जो मिलान था, मेरा जो रुझान था वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की तरफ था। अच्छा, पेस्टिसाइड्स के बिज़नेस के साथ कुछ मनफी बातें भी जुड़ी हुई हैं, आप इसका ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? महकमा ज़राअत, मीडिया या फिर ज़मींदार खुद? देखिए जी, जहाँ तक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही मजलूम तबका है। शायद लोग इस बात से इतफाक ना करें, लोगों को तो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बड़े बड़े ऑफिस नज़र आते हैं, मगर हकीकत यकीन करें कि इसके बिल्कुल बरक्स है कि जितना मजलूम तबका पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, आप 5-7-8 लोगों की अचीवमेंट को ना देखें, 5-7-10 कंपनियां जो हैं वो ग्रो कर गई। और इस सफ़र में क्योंकि मुझे 30 साल हो गए हैं, और 30 साल के अंदर मैं सैकड़ों कंपनियां आपको गिनवा सकता हूं जो इस सफ़र में हमारे साथ थे, जो रकबे बेच के आए थे, जो अपने प्लाजे बेच के आए थे और अपने वालदेन की जमा पूंजी बेच के आए थे, वो इस कारोबार के अंदर ज़ीरो हो गए। तो हमारे ख़िलाफ़ ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी नाइंसाफ़ी है। कि मैं तो ये समझता हूँ कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को आपको जो है वो ताज पहनाना चाहिए था, आप जो है इनको सर आंखों पे बिठाते। उसकी वजह ये है कि ये जब पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कंपनीज़ की, कि आज से 30 साल पहले पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जो थी वो सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में थी, और हमारा सारा टैलेंट जो है उनकी गुलामी करता था, उनकी मुलाजमतें करते थे हैं, और हम अपने ही मुल्क का ज़र मुबादला बहुत कम कीमत पे वो हमें तनख्वाहें देते थे, और वो सारा का सारा ज़र मुबादला जो है वो गैर ममालिक में शिफ्ट हो जाता था। बड़ी बदकिस्मती की बात रही। फिर अल्लाह का शुक्र कि एक दौर आया, हमारी नेशनल कंपनियों को होश आया, हमने कहा कि हमारे मुल्क का पैसा क्यों लोग जो है वो बाहर लेके जाएँ। हमने इनिशिएटिव लिया और जेनरिक कंपनीज के नाम से, नेशनल कंपनीज के नाम से हमने जो है इस कारोबार की बुनियाद डाली। और आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना बड़ा डिफरेंस था कि जो उस वक्त डॉलर 40 रुपए का था, और हमें मैं दो दवाइयों का ख़ास तौर पे जिक्र करता हूँ, एक कराटे उस वक्त मशहूर होती थी, हर फार्मर जानता है, और एक ताल स्टार का हर किसान उसको जानता है, कि ये दोनों अद्वियात कराटे 40 रुपए का डॉलर था, और 850 रुपये की हम फार्मर्स को नकद में बेचते थे,
और जो टाल स्टार थी वो मैंने आपको अर्ज की कि 40 रुपए का डॉलर था और 1600 रुपए का आधा लीटर जो है हम टाल स्टार फार्मर्स को बेचते थे। अपने फार्मर के साथ ये जुल्म हो रहा था, किसी को ख्याल नहीं आया था, किसी को बुलवतनी नहीं जागी थी, कोई जो है नंबर दो नहीं कहता था उस वक्त किसी को, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं वो हावी होती हैं, उनसे डरते हैं, उनके आगे बात कोई नहीं कर सकता था और वो मुसलसल हमारा पैसा लूट के ले जा रही थी। हमने वही कराटे आज जो है वो 160 रुपए का डॉलर है और हम 350 रुपए में अपने फार्मर को पेश कर रहे हैं। वही टाल स्टार जो 1600 रुपए की बिकती थी और उस वक्त डॉलर जो था मैंने आपको अर्ज कर दिया कि 40 रुपए का था, आज डॉलर 160 रुपए का है और वही टाल स्टार जो है हम 500 रुपए अपने फार्मर को पेश कर रहे हैं। तो हमने जुल्म किया है, हमने ज्यादती की है। ये मुआशरा फैसला करे कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि बजाय ये कि हमें जो है वो सताइश की जाती है, हमारी जो है खिदमात को एक्नॉलेज किया जाता, हमने अरबहा रुपए अब तक गवर्नमेंट के बचाए अपने मुल्क में ही रहने दिए, ये खामा खा का एक प्रोपेगेंडा है और ये जेलेसी है मैं समझता हूँ हमारे खिलाफ कि कुछ लोग जो हमारे में से ऊपर गए हैं वो उनकी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, उनका कारोबार नज़र आता है, तो उस वजह से लोग जो है वो हमारे से एक जेलेसी फैक्टर है, वो डिपार्टमेंट भी आप कह लें या मुआशरे में हमारे यहाँ जो भी ऊपर जाए मोहल्ले में ख़ानदान में या शहर में लोग खामखा हमारे एक रिवाज है कि हम नेगेटिव डिस्कशन को जो है वो पसंद करते हैं और खामखा में उसके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है कि हम जो है पूरे मुल्क की और मुल्क के किसानों की खिदमत कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ और मैंने हर फोरम पर ये बात की है कि यार आप हमारा कंपटीशन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी से करा दें, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे क्यों करते हैं। 2.5% से लेके 3% तक 15 सालों में सब स्टैंडर्ड और अल्ट्रेशन की रेशो आई है तो किसी भी शोबे में नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, मैं दावे से ये कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई सबसे खालिस चीज अवेलेबल है तो वो पेस्टिसाइड है। आप दूध में देख लें 45% सब स्टैंडर्ड, आप लाइफ मेडिसिन देख लें 35%, आप जो है वो कपड़े की दुकान पे चले जाएं तो लट्ठा पता करें चेयरमैन लट्ठा नंबर 1, 2, 3, 10 नंबर चेयरमैन लट्ठा तक आपको मिलेगा। आप जो है वो आप इस पर चले जाएं जो लेडीज का मेकअप की चीजें आती हैं, कितनी उसमें वैरायटी है, कितनी उसमें वेरिएशन है, और आप पीछे डंडा लेके जो 2.5% है उसके पीछे लगे हुए हैं, तो खुदा का नाम माने, हमारे ऊपर रहम करें, लोगों को मिसगाइड ना करें। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि कंपनियों को इनक्रेज करें, जो आपका दुनिया में नाम होता है वो फौजों से नहीं होता, फौजों से पहचान नहीं होती आपकी, आपकी कंपनी से पहचान होती है। आप अमेरिकन कंपनियां देख लें, FMC है, KFC है, और ये टोयोटा है, होंडा है, आईफोन की कंपनी से इससे पहचान है, इससे ना कि आपकी आर्मी से पहचान है। तो आप इनको इनक्रेज करें, इनकी हौसला अफजाई करें ताकि हम और बढ़ चढ़ के जो है मुल्क की तामीर के अंदर अपना हिस्सा शामिल कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ज़राअत की बेहतरी, किसान की बेहतरी एक्चुअली हमारे मुल्क की ही बेहतरी है। अच्छा, आप PCPA के चेयरमैन भी रह चुके हैं, कौन कौन से मकासद हैं जो आपने हासिल कर लिए और कौन से मकासद हैं जो रह गए उनके पीछे क्या महरकात हैं? देखिए जी, फिर मैं वही बात करूँगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा ज्यादती हो रही है PCPA में एज ए बिजनेसमैन। बाज़ औक़ात तो दिल उचाट हो जाता है हमारा कि जो सबसे बड़ी हर्डल है हमारे यहाँ वो पेस्टिसाइड एक्ट है। तो मैं बारहा मतलब मैंने जो है वो हुकाम बाला को खुद भी जाके और उनकी मिन्नत भी की, उनको तरला भी किया। मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि पेस्टिसाइड एक्ट के अंदर क्या जुल्म हमारे साथ हो रहा है। ये पेस्टिसाइड एक्ट वो एक्ट है जो शरीफ लोगों की तो इज्जतें उछालता है और जो 2 नंबर लोग हैं, जो गलत काम करने वाले हैं उनको प्रोजेक्शन दे रहा है। वो आप पूछेंगे कैसे, एक आदमी 1 करोड़ रुपए का कंटेनर दवाई का मंगा रहा है और अगर वो 0.5% कम आ गया तो उस पर फौरन FIR हो जाएगी और फौरन जो है उसके खिलाफ अखबारों में खबर लग जाएगी कि जी 2 नंबर अद्वियात का कंटेनर पकड़ा गया, 1 करोड़ रुपए की अद्वियात बरामद कर ली गई। और उसके पैरेलल एक आदमी डीजल भर रहा है, वो डीजल भर के बेच रहा है दवाई की जगह, 2 नंबरी कर रहा है, उस पर भी FIR कर दिया आपने। तो आपने तो मुआशरे को पता ही नहीं लगने दिया कि 2 नंबर कौन सा था और 1 नंबर कौन सा था। तो कितनी बड़ी ज्यादती है कि जब आप दोनों के साथ ही सलूक करेंगे, दोनों के खिलाफ FIR होगी, दोनों के खिलाफ आपने जो है वो अखबारों के अंदर मीडिया के अंदर खबरें चलवा दी, तो भाई 1 नंबर वाला तो मर गया उसी दिन, उसके साथ तो आपने जुल्म कर दिया। अभी तो उसका सैंपल की रीसैंपल होता है, हमें 1 महीने की जो है इजाज़त दी गई है कि 1 महीने जो है हम चैलेंज कर सकते हैं, वो उसका इंतज़ार भी नहीं किया जाता। तो इसमें बहुत सारे लोगों के मकासिद हैं,
मैं इसमें महकमा ज़रात को भी ब्लेम करना चाहूँगा और बाकी भी लोगों को भी करना चाहूँगा कि मेहरबानी करें, आप हमारे साथ रहे हैं, हम आपके साथ अच्छे लगते हैं, आप हमारे साथ अच्छे लगते हैं, अगर कोई दो नंबर है तो बंद कर दें। आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास आईबी है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आप वर्किंग करें और वर्किंग करने के बाद अगर पता चल जाए कि इनफॉर्म केमिकल गलत काम कर रही है तो उसको बैन कर दें, या अगर आपको हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कोई मसला है तो आप कंपटीशन करा दें। ये कोई साइंस नहीं है, एक तरफ मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट करा लें, एक तरफ हमारे करा लें, और अगर रिजल्ट सेम आए तो ठीक है, अगर रिजल्ट हमारे हल्के आए तो हमें बैन कर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खाली प्रोपेगेंडे के जरिए हमारे और काश्तकार के हालात जो है गलतफहमियां पैदा ना की जाएं, वो भी इस मुआशरे का हिस्सा है, आप भी इस महकमे का हिस्सा हो, हमारी इज्जत भी इसी में है, आपकी इज्जत भी इसी में है और काश्तकार की भलाई भी इसी में है कि हम नेशनल कंपनियों को रिवाज दें। नेशनल कंपनियां इस मुल्क का असासा हैं, हम मिलकर दुनिया के अंदर जहां भी तरक्की हुई है आप देख ले, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिला है तो तरक्की हुई है। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर पूरा गवर्नमेंट जोर लगा ले तरक्की कर नहीं सकती, अगर हम प्राइवेट सेक्टर जोर लगा ले तरक्की नहीं हो सकती। चाइना की मिसाल, इंडोनेशिया की मिसाल, मलेशिया की मिसाल, जहां जहां भी तरक्की हुई है वो हमारे से बाद में जो है वो आज़ाद हुआ, मलेशिया भी चाइना भी वो तरक्की कर गया, वजह उनकी पॉलिसियाँ हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिला है और आज अल्लाह ने उनको तरक्की दे दी। हमें भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में को एतमाद पैदा करना पड़ेगा, गलतफहमियां दूर करनी पड़ेंगी, रास्ते की रोड़ियां ख़त्म करने पड़ेंगे, जब जाके हम बूस्ट करेंगे, अदरवाइज आप जो कुछ मर्जी कर लें रिजल्ट यही निकल रहे हैं कि 1,45,00,000 बेल से हम जो है 45,00,000 बेल पे आ गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता यही एक दूसरे पर ब्लेम गेम चलती रही तो हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे। जहाँ तक अचीवमेंट का है जी सवाल कि PIC चेयरमैन मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी अल्लाह तबारक व तआला की मुझ पर बड़ी करम नवाजी रही और मैं बड़ा लकी हूँ कि PCPA में जितने भी मेजर काम हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेन्योर में हुए। उसमें सबसे बढ़ के जो पहला काम था वो एक्ट था कि हमने नया एक्ट बनवाया और तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल किया, उसमें फार्मर्स भी थे, उसमें जो है वो आपका महकमा ज़रात भी था, उसमें खाद वाले भी थे और हम भी थे, सारों के कंसेंसी से एक एक्ट बन गया, मगर बदकिस्मती से वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसके बहरहाल ये क्रेडिट हमें जाता है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर को एक जगह बिठा के एक्ट मेरे दौर में हुआ। उसके बाद 5 ग्रेजुएट्स का बहुत बड़ा इशू होता था छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का कि 10 ग्रेजुएट थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 करवाए, वो मेरे दौर के अंदर हुए। उसके बाद जो है वो मेथड का इशू था अमाइनो एसिड का और ह्यूमिक एसिड का, वो अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं 3 दिन लाहौर रह के आया और हायर मैनेजमेंट के साथ मैंने जो है लिबार्टी में काम किया उनके साथ और वो भी हमारा कंसेंसिस हुआ, वो हमारे दौर में हुआ। जिंक 33% इशू आता था हमें कि वो बाहर से जो आती थी वो पूरी नहीं होती थी, उसको भी हमने चेंज करवाया और उसको 27% पे हम लेके आए। इसके अलावा बेशुमार सेमिनार मेरे दौर में हुए कि 1,000 बंदों का जो है वो सेमिनार हमारा हुआ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टेक होल्डर, जैसे कि हमारी ख्वाहिश थी कि तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे हों, उसमें फर्टिलाइज़र वाले भी थे, सीड वाले भी थे, डिपार्टमेंट भी था, गवर्नमेंट भी थी, इम्पोर्टर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, तो हम माशाल्लाह बहुत बड़ी हमने एक एक्टिविटी की थी और उस वक्त जो है बड़ा नज़र आ रहा था कि इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों पर जो है वो अबूर हासिल कर लेंगे, तो वो भी मेरे दौर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। इसके अलावा हमारी कंपनीज का मसला होता था कि लोग जो है वो हमारे पैसे दबा लेते थे, डीलर दबा लेते थे, लड़के दबा लेते थे, उसके लिए भी हमने दरमियाना रास्ता निकाला और एक HR कमेटी हमने बनाई और मेरे दौर के अंदर बहुत ज़्यादा वो एक्टिव भी थी और बहुत ज़्यादा उसमें जो है लोगों के मसले भी हल हुए। इसके अलावा बल्क के सैंपल का इशू होता था कि वो कौन करेगा, उसमें ये हमने स्टे लिया और हमने तय कराया कि बल्क का सैंपल जो है वो फेडरल लेगा और फिनिश प्रोडक्ट का जो है वो सैंपल प्रोविंस वाले लेंगे। इसके अलावा एक जर्नल हमें इनके बैसेड के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर इशू आ रहा था तो उस पर भी मैंने स्टे लिया, जो कि अब आज के दिन तक भी चल रहा है। और स्टे हमें इसलिए लेने पड़ते हैं बदकिस्मती से कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम स्टे लें, जब हमारी सुनी नहीं जाती तो फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है और मेरी ख्वाहिश ये है कि हम कोर्ट में ना जाएं और हम मिल बैठ के जो है ये मसाइल भी हल करें। अल्लाह पाक बेहतरी की तरफ लेके जाएं ताकि चीज़ें और हालात दोनों बेहतर हो सकें। अच्छा, आप सियासत में खासे मुतहरिक रहे, सूबाई असम्बली के आप उम्मीदवार भी रहे, तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, क्या वजह बनी? देखिए जी, हम कारोबारी लोग हैं और हम कमिटमेंट को अपनी जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं PTI में शामिल हुआ इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, फिर मैंने दरख्वास्त दी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए और उनकी शर्त ये थी कि अगर उन्होंने मुझे टिकट ना दिया तो फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
हम तीन कैंडिडेट्स थे, कोटा दू के अंदर मेरा हलका था, तो मुझे यही हुआ कि मैं इलेक्शन में जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने मुझे सिर्फ एक इतराज़ लगाया कि मेरी एंट्री तरीके इंसाफ में लेट थी। जो मेरे से पहले कैंडिडेट थे वो अब मेरे से पुराने थे और वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके थे, तो उन्होंने टिकट उसे दे दिया। तो हम तो ज़बान वाले लोग हैं, हम तो ज़बान पे करोड़ों रुपए का सौदा कर लेते हैं, और मैंने अपनी ज़बान को निभाया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि शोहे साहब आप आज़ाद लड़ लें, वहाँ 10-12 हज़ार वोट तो मेरी अपनी बिरादरी का है, मगर मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि भाई मैंने अल्लाह को जवाब देनी है, मेरा कोई मकसद नहीं है, मैंने सियासत से कोई पैसे नहीं कमाने, मैंने खिदमत करनी है, और खिदमत में दो नंबर तरीके से नहीं कर सकता। अपनी ज़बान का मैंने पास रखा और मैंने भरपूर अंदाज में PTI के उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट किया। अच्छा, कहा जाता है कि इमरान खान जो है उनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे, तो आप मुतमईन हैं PTI की कारकर्दगी से? जी मैं बिल्कुल 16 आने मुतमईन हूँ और 101% में उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। बेसिकली लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि ये प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है, जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरानी करते रहे और 30 साल तक हमें ये बताते रहे एक दूसरे के खिलाफ कि जी ये जरदारी के घोड़े मुरब्बे खाते हैं, जरदारी ने जो है वो सिरे महल बना लिया, जरदारी जो है वो मिस्टर 10% है, बेनज़ीर जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है, और इधर खादिम आला साहब हमें ये फरमाते रहे कि इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, और मैंने इनको अगर लाहौर पिशावर और लाड़काने की सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम खादिम आला नहीं। आप इनकी मुनाफ़तें चेक करें कि अब यही लोग हमें भाषण दे रहे हैं कि जी वो जो है इमरान खान नाकाम हो गया, इमरान खान ने जो है जी वो उसको काम नहीं करना आता, वो भी अच्छा उसे काम नहीं करना आता कि 11 बंदों को तुम्हें सारों को उसने एक लाइन पे लगा दिया, तुम सारे 11 के 11 जो कल तक ये कहते थे कि जी हम पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे, आज उसे खराते मांग रहे हो, आज उसे भीख मांग रहे हो, आज उसे NRO मांग रहे हो, तो तुम्हारे से ज़्यादा अल्लाह ने उसे अकल दी है, तुम्हारे से ज़्यादा अल्लाह ने उसे शऊर दिया है कि तुम सारे के सारे मुनाफिक जो है आज तुम्हारी मुनाफ़तें अल्लाह तबारक तआला बाहर ले आया है, कल तक तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, आज तुम शेर व शकर हुए हुए हो, तो और क्या चाहते हो उससे कि उसने कम अज़ कम पहली दफ़ा, ये अनटचेबल लोग थे, इन्होंने अपने गिर्द एक ऐसा जाल बुन लिया था कि सारे बेनिफिशरी लोग पैदा कर लिए थे, इन्होंने जो है पुलिस में भी इनके अपने बंदे थे, सहाफत में भी इन्होंने बंदे खरीद लिए, वकीलों को भी इन्होंने जज बना दिया, पटवारी को भी खरीद लिया, काउंसलर को भी खरीद लिया, यानी तमाम लोगों को बेनिफिट देते चले गए और अपना हमनवा बनाते चले गए। अब वही लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं जिन जिन्होंने भी इनसे ठेके लिए हैं, कमीशन लिया है, भत्ता लिया है, या पुलिस के जरिए थाने के जरिए जिन जिन लोगों ने अपने जो है वो इलाकों में रूल किया है वो इनके लिए खड़े हैं, बाकी कोई इनके साथ नहीं है। यार जो आप ये देखें कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ये तो आम काम ही, बड़ा कहते हैं जी हमने मेट्रो बना दी, जी हमने जी ऑरेंज लाइन बना दी, वो ये तो सतही लेवल के काम है, मुझे पैसे दो मैं बना दूंगा, आपको पैसे दें आप बना देंगे, ये असल काम ये होते हैं कि इदारों में तब्दीली कौन लाएगा। आप अस्पताल को देखें कि प्राइवेट अस्पतालों का काम बेहतरीन चल रहा है, लूट रहे हैं दोनों हाथों से, तालीम जो है 1000 में अक्सर बात करता हूँ कि 1000 बच्चा 1000 जो 1050 नंबर लेने वाला बच्चा वो डॉक्टर नहीं बन रहा, और जो ले रहा है बच्चा 800 नंबर अमीर का बच्चा वो डॉक्टर बन रहा है। ओ भाई तुम एक अस्पताल तो ऐसा बना लेते जहाँ तुम्हारा अपना इलाज हो जाता, तुम्हारी तो ब्रेकें लगती हैं इलाज के लिए दुबई इंग्लैंड, और हमारा अगर कोई मरीज बेचारा किसी को हार्ट का मसला हो जाए तो 2 साल की पेशी मिलती है उसको, 2 साल के बाद उसको कहा जाएगा कि जी आपका नंबर लगेगा, 2 साल तक इनका बाप गारंटी देगा कि वो जिंदा रहेगा। तो इस लेवल पे ये लोग लेके गए हैं, सिर्फ इनकी लूट मार थी, अब इनको लूट मार का जो इनको नज़र आ रहा है कि इमरान ने जब इन अनटचेबल लोगों को पहली दफ़ा, आपने देखा कि यहाँ तो काउंसलर का नाम नहीं लेते थे लोग डरते थे, यहाँ तो सिपाही का नाम लोग मोहल्ले में नहीं लेते थे कि सिपाही से डरते थे, इमरान ने खौफ हटा दिया, आज लोग मिनिस्टरों को भी पकड़ रहे हैं, आज लोग SP को भी खुली कचहरी में बात कर रहे हैं, आज कमिश्नर से भी लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज दे दी इमरान खान ने कि अब आप सवाल करने वाले बन गए हो, जब आप सवाल करते हो तो फिर बेहतरी आना शुरू हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी ये ब्लैक उसमें ग्रे लिस्ट में छोड़ के गए थे बुल्क को, मैंने कल भी ये बात एक जगह की कि 5 लाख रुपए दुकान के अंदर टोटल माल पड़ा था और 5 करोड़ रुपए दुकान ने उधार देना था लोगों का, तो लेने वाले बाहर आए खड़े थे जी हमें पैसे दें हमारे पैसे दें, और लेने वाले भी डांटे थे, कौन थे, IMF था, वर्ल्ड बैंक था, एशिया बैंक था, उन्होंने 5 करोड़ लेने थे, 5 लाख का आपका दुकान में आप माल छोड़ के गए हो, और रोज आके पूछो दुकान जो है नफे में आई, और दुकान कहाँ से नफे में आनी है। तो उसने बेचारे ने ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा रहा था वो बचाया, और वो मुल्क के लिए दिन रात एक कर रहा है। ये कहते हैं जी चीनी महंगी हो गई,
ओ भाई 80% शुगर मिले तुम्हारी हैं, तुम्हें अगर लोगों का इतना ही दर्द है तो चीनी 50 रुपए कर दो तुम अपनी मिलों में। नहीं, इमरान को कह रहे हैं जी चीनी महंगी हो गई। वो इमरान के बाप की मिल है ना, उसके बाप की मिल है ना, उसके भाई की मिल है ना, उसके भतीजे की मिल है। 80% मिले तुम्हारी हैं और तुम क्रिटिसाइज भी उसको कर रहे हो, तो ये मुनाफ़त है। अल्लाह ने वक्त के साथ साथ इनकी मुनाफ़तें चाक कर दी और इंशाअल्लाह अजीज़ इनकी इनके लिए जो है वो बदनामगी जो है वो इनका मुकद्दर इंशाअल्लाह हो चुकी है अल्लाह के फजल से। इन फ्यूचर पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं आप, किस तरफ जाता देख रहे हैं? मैं बड़ा होपफुल हूँ जी, और इमरान खान की क्यादत में इंशाअल्लाह अजीज़ ये एक्चुअल ग्राउंड से मुल्क आ गया है। पहले हम हर लिहाज से इन्होंने हमें ग़ुलाम बना दिया था दोनों हुकूमतों ने। आप सऊदीया की मिसाल देख लें कि सऊदीया छोटा मोटा हमें पेट्रोल देता था उधार पे और हमें ग़ुलाम बनाया हुआ था, और इसी तरह जो है बाकी ममालिक भी, अमेरिका भी हमारे साथ यही कुछ करता था। इमरान ने दलेरी दिखाई और उसने आपके सामने कि हम सऊदीया हमारा भाई है, हमारे लिए सबसे मोहतरम जगह सऊदीया है, मगर हम जो है किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम बराबरी की बुनियाद पर उसने अपनी खारजा पॉलिसी मुतय्यन कर दी और इंडिया को वेला कर दिया, कहते हैं अलग कर दिया दुनिया से। अब नेपाल भी उसके खिलाफ़ है, श्रीलंका भी उसके खिलाफ़ है, बांग्लादेश भी उसके खिलाफ़ है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ़ है, चाइना भी उसके खिलाफ़ है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार इमरान खान का, सिर्फ एक ही जो करतारपुर बनाया है इसने राहदारी, मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी खारजा पॉलिसी की उसकी मिसाल है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को इसने, सिख कम्युनिटी जो कि बहादुर कम्युनिटी है और उनके साथ जुल्म हो रहा है, उस जुल्म की हम मजम्मत करते हैं, उसने उनके दिल जीत लिए। आज आपका वो बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सेफ हो गया और चाइना जो है आज पहले से कई गुना ज़्यादा हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, वो इमरान खान की पॉलिसी की वजह से है। और इंशाअल्लाह अजीज फ्यूचर में आप देखेंगे कि बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी देगा। नीयतों का खालिस होना ज़रूरी है, जब आपकी नीयतें खालिस होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो है वो गैब से मदद करता है। कोरोना के मामले में आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर 2-2 लाख केस रोज़ाना आ रहे हैं, 3-3 हज़ार बंदे अमेरिका में मर रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर मर रहे हैं। यहाँ अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने मेहरबानी की कि इमरान खान को जो है वो सुझाई बात कि उसने लॉकडाउन नहीं किया और उसकी पॉलिसी कामयाब रही, उसको लोगों ने इंजॉय किया और कम से कम नुकसान हमारा हुआ। जब अल्लाह आजमाइश डालता है तो अल्लाह तबारक व तआला अगर नेक नियति हो तो उसके हल भी सुझा देता है। अल्लाह ने इमरान खान को उसका हल भी सुझाया और अल्लाह ने उस इम्तिहान से उसे निकाला और बाकी इम्तिहानों से भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको इसी तरह सुरखरू करेंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करें और हमेशा ऐसा ही हो। अच्छा, आप अपने देखने वाले दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जी यही कहना चाहूँगा कि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमारे वालदैन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और उनके ख्वाब थे, उस ख्वाब को हासिल करने के लिए उन्होंने जो है वो बड़ा अपना घर छोड़ा, अपना बच्चे छोड़े, कुर्बान करवाए, कुओं के अंदर अपनी जो नौजवान औलादों को कुर्बान करके आए। तो और दूसरी बात ये कि मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, हमें वो चीज़ भी नज़र आए, मगर बदकिस्मती से 70 साल हमें बेवकूफ़ बनाया गया, 70 साल जो है हमें हमारे अंदर नफ़रतों के बीज बोए गए, 70 साल जो है हमें यही सिखाया गया कि वो चोर है, वो डाकू है, वो चोर है, उसको चोर कहता था, वो उसे डाकू कहता था, और सारे जितने भी जो आपके जो चीज़ें थी, जितने भी आपके जो थे वो महकमे थे, यार हमने लोगों को तरक्की देना सिखाई, ये दुबई पाकिस्तानियों ने बनाया, ये मलेशिया की इकानमी जो है आपके देख लें उठा के कि मलेशिया की इकानमी हमने बना के दी, इंडोनेशिया की जो है इकानमी हमने बना के दी, ये जो एमरेट्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनी है ये पाकिस्तानियों ने बना के दी, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? यही हमारे पाकिस्तानी हैं, ये दुबई में जाके बेहतरीन काम करते हैं, ये इंग्लैंड में जाके बेहतरीन काम करते हैं, ये अमेरिका में जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, मगर पाकिस्तान में इनको लीडरशिप नहीं मिली। आज अल्लाह तबारक व ताला ने, मैं समझता हूँ, हम पर एहसान किया, हमारे ऊपर अल्लाह ने मेहरबानी की और इमरान खान की सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने एक लीडर दिया। मैं बार बार कहता हूँ कि इस लीडर की कदर करें। अल्लाह तबारक व ताला बार बार कौमों के ऊपर जो है वो मेहरबान नहीं होता, अल्लाह तबारक व ताला बार बार मौके नहीं देता। आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया है इमरान खान की सूरत में, इनके चेहरे बेनकाब कर दिए अल्लाह ताला ने, इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया था उसके रिजल्ट आपके सामने आ गए कि आज सारे का सारा ख़ानदान जो है वो रो रहा है, आज सारा का सारा ख़ानदान जो है जो फिरौनियत के दावे करता था, जो ये कहते थे कि जी हम हुक्मरान ख़ानदान, जो आसिफ़ ज़रदारी साहब फरमाते थे कि नैब की क्या मजाल,
नैब की क्या मजाल के मुझे पकड़े, आज अल्लाह ने उनका तकबर खाक में मिला दिया। अब थोड़ा सा हमने धक्का लगाना है, अब कौम ने शोर पैदा करना है, अब कौम की जो है वो काम की ज़रूरत है कि कौम इमरान खान के पीछे खड़ी हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो हैं लोगों का आप अंजाम भी देख लेंगे और मुल्क जिस तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा वो आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा। इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छी बात की आपने कि रहनुमा के साथ साथ इनफरादी तौर पर भी हमें अपने आप को अपनी नीयतों को ठीक करना पड़ेगा, तभी हमारे मुल्क को कामयाबी मिलेगी। अच्छा, रहबरे किसान अखबार के बारे में तो आप अक्सर खिदमात उसकी जो है बयान करते रहते हैं, रहबरे किसान न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रफ़ीक कैसर साहब मेरे बहुत ही मेहरबान हैं और मैं एक दफ़ा वाइस चेयरमैन, दो दफ़ा चेयरमैन रहा हूं, तो मेरे इनके साथ बहुत ज़्यादा मैंने इनसे सीखा भी है और इनकी वजह से PCPO को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इंतहाई शरीफ आदमी हैं, जो कि इनका नेगेटिव भी है, सहावत में इतना ज़्यादा जो है वो शराफत नहीं चलती। मैं इनको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई PCPA में थोड़ा सा ज़रा आप अपना टच दो साफियों वाला, उसकी वजह से बेचारे ये सफ़र भी होते हैं, शरीफ आदमी हैं और बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है और हमारा चेहरा अगर कोई थोड़ा बहुत PCPA में बेहतरी आई है तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी कि मैं इनको क्रेडिट दूंगा रफ़ीक कैसर साहब को, रहबर किसान को, कि इन्होंने बैलेंस सहाफत की है और हमेशा कोशिश की है कि काश्तकार भी और महकमा ज़रात भी और पैसे इंडस्ट्री को भी जो है वो तमाम को बराबर मौका दिया जाए और तीनों को जो है वो इन्होंने जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया और ये मैसेज दिया कि तीनों ही हम जो है वो खैर खां हैं। अब ये जो न्यूज़ की आप बात कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मगर देर आया दुरुस्त आया, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि आज दौर ही सारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, प्रिंट मीडिया से लोग हटते जा रहे हैं, जैसे कभी PTCL फ़ोन थे उसी जगह मोबाइल फ़ोन आ गया, इसी तरह आप जो जिन जिन लोगों ने अपने आप को कर लिया था मैनेज वो ऊपर चले गए और जो लेट आए तो उन्होंने थोड़ा सा सफ़र किया, तो इनकी बहुत बड़ी काविश है। मैं समझता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि जैसे इन्होंने रहबर किसान को कामयाब करके दिखाया और बड़ी बैलेंस सहाफत की, आज ज़रूरत भी इस बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है वो दौर है, इन्होंने बड़ा बरवक्त ये फैसला ले लिया और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह और अज़ीज़ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए, पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये एक नेमत के तौर पे है कि हम सारे ही अपना मौकफ, माफी व ज़मीर यहाँ खुले अंदाज में इनके सामने बयान कर सकते हैं। ये पहले भी खिदमत करते रहे और अब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इनसे यही तवक्को करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी नेक ख्वाहिशात का रहबरे किसान न्यूज़ के हवाले से और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी रऊफ़ुर रहमान की, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होती रहेगी, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।